स्टार्टिंग में हम बार्सिलोना से जो है ना गए सेविया, सेविया से फिर हम गए कोर्डोबा। इसी फ्लाइट ने हमें पहुंचाया सेविया और सेविया से हम ड्राइव करके फिर पहुंच गए कोर्डोबा। तकरीबन जब उधर पहुंचे तो रात को तो हमने शहर देखा। ये कोर्डोबा की गली है, यहाँ हम पूरा रात घूमे फिरे। यहाँ की खूबसूरती पूल, यहाँ क्योंकि मुसलमानों की ज़माने से यहाँ पूल और ये गलियाँ सारे बहुत पुराने हैं, तकरीबन 1200-1300 साल पुराने। इसमें अभी थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है। ये मीनार जो है ना, ये मस्जिद का है। यहाँ तो फिर हम सुबह गए, रात को नहीं गए क्योंकि क्लोज बंद था, एंट्री नहीं होती है रात को, और टूरिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा थे। और यहाँ पे तकरीबन गलियों के कुछ नाम भी मुसलमानों के नाम पर है। कोर्डोबा जो है ना, खूबसूरती रंग बरंग, इसमें लाइटें और इनकी गलियाँ, यहाँ के लोग सब जो है ना, आप जब वहाँ पे जाओगे तो मुसलमानों का याद जो है ना, याद ताज़ा हो जाता है। ये था हमारा हॉस्टल और रात हमने यहाँ पे गुजारी। सुबह सवेरे जब हम उठे तो चल पड़े नाश्ते के लिए। नाश्ता हमने वहाँ किया और उसके बाद हम चले। ये टिकट यहाँ से, ये टिकट हमने ले लिया। और भाई आइए, यहाँ पे लोग जो ईसाई क्रिश्चियन लोग हैं ना, ये लोग यहाँ पे पैसे भी फेंकते हैं। भाई भाई मार चालान, टिकट के पैसे वापस निकालना कर, बस जो भी है एक एक कतरे कतरे से दरिया बनता है। मस्जिद का टिकट 10-10 यूरो का हमें मिला और हम जो है ना मस्जिद में दाखिल होने लगे, बल्कि दाखिल हो गए। और क्या एक्सपीरियंस था, वाह वाह। आप लोग मतलब एक दफ़ा जाके ना वहाँ जब देखेंगे कि 1200 साल से ये मस्जिद उसी तरह है जिस तरह पहले था, एक एक चीज़। लेकिन अभी ये चर्च है, मस्जिद नहीं है। इस मस्जिद का बुनियाद 784 में रखा गया और कहते हैं 200 साल में ये मतलब इसको मुकम्मल कंप्लीट किया गया था, थोड़ा थोड़ा बना के ना। और 1236 में ईसाइयों ने इनको वापस लेके इसको चर्च बना दिया और अभी तक 2018 तक ये अभी चर्च बना हुआ है। मुसलमानों ने यहाँ कई बहुत सारे केस किए कि इसको हमें वापस दिया जाए और ताकि हम इसमें नमाज पढ़ सके। अभी तक इसमें नमाज अजान देना, हत्ता के सजदा लगाने की भी इजाज़त नहीं है, सिर्फ इसको जो है ना चर्च। और ये आप लोग देख सकते हो, ये सारा मुसलमान ने बनाया हुआ है। कितना खूबसूरत, कितना टाइम हुआ इसको, तकरीबन 1200-1300 साल। ये मस्जिद का मेहराम, अभी तक इन पे कुरानी आयात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सारे आप लोग देख सकते हो अभी तक लिखे हुए। अल्लामा इकबाल ने यहाँ पे नमाज़ पढ़ा था, उनको इजाज़त मिली थी। अगर आप लोग हिस्ट्री चेक करें तो उन लोगों ने यहाँ अजान भी दिया था और नमाज भी पढ़ा था। अकेले उनके लिए ये मस्जिद का दरवाज़ा खोल दिया गया था और उसको टाइम दिया गया था। तो उन उसके बाद ना किसी ने अजान यहाँ पढ़ी और ना नमाज। इसके पहले तकरीबन 800 के करीब है।
मस्जिद का पूरा छत इन लोगों ने लकड़ियों से सारा डेकोरेट किया गया है. आप लोग देख सकते हो कितना खूबसूरती से इस पे काम हुआ है और कितने साल हो गए अभी तक वैसे ही का वैसा है. 1236 में मुसलमानों की हुकूमत जब ख़त्म हो गई तो यहाँ ईसाइयों ने चर्च बना दिया जो अभी तक चर्च है. यहाँ पे अभी सिर्फ और सिर्फ चर्च है. इतना बड़ा मस्जिद है भाई, इसकी लंबाई कितनी थी? इसकी लंबाई 145 मीटर लंबाई और 85 मीटर चौड़ाई. अच्छा, 145 लंबाई और 85 मीटर चौड़ाई, बहुत बड़ा मस्जिद है. पूरा मस्जिद देखने के लिए कम से कम एक घंटा आपको चाहिए. हमें भी एक घंटा मिला और तकरीबन हमने पूरा मस्जिद देख लिया. एक एक चीज़ हमने देख ली और पुराने ज़माने के जितना भी यहाँ पे एंटीक चीज़ें पड़ी थी, उसके बाद फिर ईसाइयों की भी, क्योंकि उन लोगों ने जब 1236 में इसको वापस लिया तो 1236 से अभी तक 800-900 साल ये भी हुए, उनके भी पुराने चीज़ें वहाँ पड़ी थी. और मस्जिद में एक जब हम इंटर हुए तो इनके बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड मस्जिद के अंदर मौजूद होते हैं और जब वो देखते हैं कि ये मुस्लिम है तो वो आपके पीछे पीछे आएगा. डरने की ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ इसलिए आपका पीछा करता है कि आप वहाँ पे ना अजान दे या सजदा लगाए, क्योंकि मना है. ये सिर्फ चर्च है और मुसलमानों को अजान, नमाज या सर पे टोपी पहनना इसका बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है. मस्जिद में बहुत सारे जगहों पे कुरानी आयात और मेंबर पर, दीवारों पर पुराने ज़माने के जितने भी पत्थर, वहाँ पे कुरानी आयात अभी तक लिखे हुए हैं और वो पड़े हैं. इस मस्जिद को देखने के लिए मुसलमान भी बहुत ज़्यादा आते, क्रिश्चियन भी आते, दुनिया के हर जगह से यहाँ लोग टूर करने या देखने के लिए आते और खूब इस जगह को देख के. ये आप लोग देख सकते हो, मतलब ये छत पुराने ज़माने का कितना खूबसूरत बना हुआ है. मस्जिद में अभी 20% मुसलमानों के चीज़ें पड़ी हुई है, बाकी जितना भी हिस्सा है वो सब चर्च में कन्वर्ट किया गया है. वहाँ से हम जब निकले तो हम उधर नाश्ता और खाने पीने के लिए निकले तो एक पाकिस्तानी भाई हमें मिले उधर. हाँ, वो पाकिस्तानी भाई, वो देखो वो तुमने, उसने तुम्हें पहचान लिया. आप विशाल खान हो उधर, पहचान लिया. जो अंकल दादा जो मेरे साथ खड़ा है वो, उसने जो है ना कहता है हम आपके वीडियोस देखते तो उन लोगों ने पैसे भी नहीं दिए, चाय भी. बहुत अच्छी मेहमान. अगर आप लोग कुर्दोबा जाए कासा दे कबाब ज़रूर विज़िट करें. वहाँ हमें चाय भी मिली और इन लोगों ने पैसे भी नहीं लिए. ये जो अंकल मेरे साथ ये कड़ा है, इसने मुझे पहचाना, कहता है आपके वीडियोस हम कभी कभी देखते हैं. शुक्रिया इनका. इतवार को तकरीबन 4 बजे हम वापस निकले कुर्दोबा से सिविया, क्योंकि हमारा फ़्लाइट बार्सिलोना के लिए सिविया से ही था और फ़्लाइट भी मंडे को था. तो हम जो है ना इतवार और मंडे शाम तक, शाम को फ़्लाइट था, तो हम काफ़ी सिविया में घूमे फिरे. और सिविया भी काफ़ी खूबसूरत तरीन सिटी है स्पेन का. और कुछ दोस्तों ने हमें 2 दफ़ा जो है ना गाड़ी का इंतज़ाम किया, क्योंकि सिविया से कुर्दोबा तक ये 1.5 घंटे का सफ़र है,
ट्रेन भी जाता है और टैक्सी भी जाती है, लेकिन और क्या चाहिए अगर आपको एयरपोर्ट तक लेके आए और एयरपोर्ट से लेके जाए। तो अल्लाह ऐसे दोस्त हर किसी को दे। और सिविया पहुंच के वहाँ हमने टिकटॉक के लिए कुछ वीडियोस भी बनाए, वो आप लोग चेक कर सकते हो @विशालजानी। भाई को मैंने कहा अभी कि यहाँ नहीं जाते, लेकिन मान नहीं रहा था। अगले वीडियो में चेक करते हैं कि क्या हुआ।